एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो होने वाला है सोमंग के लिए। सोमंग में गोम्पा है और वो बहुत हाइट पे जाके है, टशगंग से बहुत थोड़ा नज़दीक पड़ता है। अगर स्पेशल सोमंग जाना हो तो बहुत दूर है। तो मामी वगैरह का भी ये था कि यहाँ तक आए हैं तो हम सोमंग भी जाके आएंगे, दर्शन करके आएंगे। तो हम लोग जो सोमंग जा रहे हैं, हमको ना रास्ते का पता है। हम लोग तीनों जो है, पहले तो गुड मॉर्निंग नानी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मामा जी, गुड मॉर्निंग। तो हम तीनों ही नए हैं इस सफ़र में। तो यहाँ नीचे एक आप ही जी बुला रहे कि सोमंग तो नहीं जाना है, बोला हमारा जाना है, बोले जल्दी आओ। तो हम भाग भाग के जा रहे हैं। तो हमको लगा दादी जी हमारे साथ आ रहे हैं, बट मिसअंडरस्टैंड हो गया हमारे को। दादी जी हमारे को रास्ता बता रहे हैं, वो बोल रहे कि हमको यहाँ तक रास्ता बताएंगे। अगर हम सुबह थोड़ा जल्दी उठते तो हमें और भी लोग मिल जाते, बहुत से लोग गए हुए हैं। नीचे गया होगा ना, ऊपर नीचे गया है, ये समझ के रास्ता ठीक है अभी। हाँ, थैंक यू, अच्छा धन्यवाद। ये निशान देखे, ये ट्रेन से थोड़ा इस तरफ, हाँ फिर नीचे ना इस तरफ रास्ता, इस तरफ वाले कैसे गए, इस तरफ रास्ता ढूंढना, ठीक है ओके। ओ भरा पाथर का आऊं मैं भी, नहीं हम चलेंगे, हां यहीं से चलते रहेंगे। मामा अब रास्ते जाने वाले, और चलो चलते हम फिर भी लेंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है ना, कोई आदमी नहीं मिलेंगे रास्ते में पूछने के लिए हमारे को कि रास्ता बताओ, कोई नहीं होगा इधर से। बट हाँ, लोग काफ़ी चले हैं तो उनके फुटप्रिंट्स है जिसको देख के हम लोग चल सकते हैं। और कहते हैं कि 2-3 घंटे लगते हैं। ओ माय गॉड, बड़ा पत्थर यहाँ के लिए बोले थे, यहाँ से जाने के लिए बोले थे। रास्ता इतना खराब नहीं है ना, रास्ता खराब नहीं है। आराम से जाने, पाप करने जा रहे। और हमको बाद में यहीं से ऊपर आना है। और अब हम देखो मिल गया हमारे को रास्ता। अरे अरे, ये वाला रास्ता है। अब यहाँ से देखो रास्ता थोड़ा अच्छा मिल गया हमारे को, प्लेन प्लेन सीधे रास्ते है। दोस्तों यहाँ नीचे एक एरिया है, आर्मी वालों का जगह है, वहाँ तक जो है गाड़ी जाती है। वहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई स्टार्ट हो जाता है सोमंग के लिए। वो थोड़ा आते वक्त ईजी है कि नीचे उतरना पड़ेगा, फिर हम गाड़ी में जा सकते थे। बट दिक्कतें होगी ना, हम लोग तीन ही लोग हैं और हमारी जो गाड़ी है वो ऊपर है, नीचे रखने वाला कोई है नहीं। तो अब हमको यहीं से जाना पड़ेगा और बाद में यहीं आना पड़ेगा। तो बस हम निकल पड़े, जहाँ जहाँ से जैसा जैसा रास्ता था वैसे वैसे चल पड़े। पर रास्ता बहुत ऐसा था, बीच में बहुत पत्थरों वाला, एंड जहाँ जहाँ जैसे जैसे लोगों ने किया था हमने वैसे वैसे फॉलो किया। यहाँ एक पत्थर की जो छोटी चट्टान थी उसके ऊपर सबने छोटे छोटे पत्थर लगाए थे, आई थिंक विश करके रखते हैं लोग, तो सब रख रहे थे तो हमने भी रख लिया। मैं तो पूरे रास्ते जितने जितने जैसे जैसे हम उतर रहे थे ना, वैसे वैसे यही सोचती रह रही थी कि यार वापस भी आना है इस रास्ते से। शुक्र है, और हमारी किस्मत बोलो अच्छी है। हमको ना लोग दिख रहे हैं आगे, 5-6 लोग चल रहे हैं। तो वैसे तो रास्ता मिल ही गया है, पर फिर भी अगर साथ हो कोई तो ज़्यादा सही रहता है कि हमको बार बार ये ना लगे रहे कि कहीं हम भटक तो नहीं रहे, कहीं हम गलत तो नहीं चल रहे। वैसे तो हम ठीक ही चल रहे हैं भाई। डांग देखो यहाँ से, मैं दिखाती हूँ अभी। अभी हमको वापस जाना है इस रास्ते से। तो यहाँ पे जगह जगह जो है पत्थरों को एक के ऊपर रख के एक स्टैक बनाया था, जिसको हमारी बोली में हम लोग बोलते हैं लापसा। तो यहाँ पे मैंने भी एक बनाया। लगा हम तीन ही लोग होंगे, बट अभी तो पीछे से भी बहुत लोग आ रहे हैं। शुक्र है साथी लोग बहुत मिल गए। तो रास्ते बड़े डेंजरस हैं पर चलने लायक है, अच्छे हैं, ध्यान से चलना पड़ रहा है। कुछ कुछ रास्ते बहुत पतले पतले जैसे हैं। और आज हमारे को सुबह ना चाय मिला ना पानी, हम सुबह जल्दी आए और हम तीनों को लग गया भूख। हम लोग क्या खा रहे हैं अभी, छोक जो सत्तू का बना होता है ना, वो खा रहे हैं। तो ऐसा बताया गया कि पहले उतरो फिर एक पॉइंट बाद चढ़ो चढ़ो। तो अभी हमारा उतरना ही ख़त्म नहीं हुआ है। चलो मामा जी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और हम पूछते हैं कि वो आने वाले हैं या जाने वाले हैं।
नमस्ते, आप लोग आ रहे कि जा रहे? आप लोग जा रहे सभी? है तब तो ठीक है। चलो चलो बैठते हम लोग भी। तो सुमंग जाने वाले और है हमारे साथ। कहाँ, कौन से गांव से आप लोग? जगह। चलो फिर चलते हैं। चलो चलो चौक तो खाया। तो जो गाड़ी आती है वो वहाँ नीचे आती है, वहाँ से फिर आपको यहाँ से ऊपर पैदल आना है, वरना वही रास्ते से आना जिस रास्ते हम आए थे। थोड़ा सा डिस्टेंस का फर्क पड़ जाता है। चलो चलो और कुछ लोग वापस आ रहे, वापस आ रहे जी, वापस आ रहे हैं जी। और यहाँ पे कुछ लोग जो है पिछले कल ही सुमंग गए थे, वो वहाँ पर एक रात स्टे किया उन्होंने, और अब वो जो वापस आ रहे थे। और यहाँ पे एक नाला जैसा था जहाँ पे चश्मे का पानी है, और ये वाला पानी जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब मीठा है। वैसे भी पहाड़ों में जो चश्मे के पानी होते हैं वो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। बुलावा नहीं आया, थकी, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, थकी। तो आप जी ने हमारे को दिया लोकल मूरी, देखो जिसको बोलते हैं पग, वो क्या बोलते हैं आप ही? पग। बस आप ही बहुत है। अब हम फाइनली पहुंचने वाले, देखो दिख रहा है झंडा, लगता है सिरा आप ही। और जो यहाँ का शुक्पा है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और एक तरह से शिमला भी है। तो देखो सारे लोग अभी शिमला मतलब शुक्पा लेने जा रहे हैं। गुम्पा पहुँचने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जो प्लेन सा है और रेस्ट करने के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे जो है दिए धूप वगैरह जलाने की भी एक जगह है जहाँ पे माने वगैरह लिखा हुआ है। फाइनली हम लोग पहुँच गए सुमंग। यहाँ पे ऐसे रहने रहने का प्रबंध है, कमरे कमरे बनाए हुए सोने सोने के लिए। नीचे भी है, और ये है परे मंदिर, ये है जी मंदिर, सुमंग मंदिर, सुमंग गुम्पा। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए। अब हम यहाँ पे थोड़ा धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बैठते। मेरी मासी वगैरह भी आए हुए यहाँ पे, पता नहीं कहाँ दिख रहा। और यहाँ पे कहीं तो गाने गुने गा रहे लोग, गाने गुने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इस वक्त हम लोग बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अभी हम सारे यहाँ पे दिया दुआ जलाएंगे, अभी उधर को गाना गुना गाने देंगे। सुमंग जो है बुद्धिस्टों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। कहते हैं कि सुमंग और जो ये खोरला दुम्बा का जो अगर हम पूरा चक्कर लगा देते हैं तो ये एक कंप्लीट तीर्थ के समान माना जाता है। तो उसके बाद आपको कहीं और तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा मान्यता है। और यहाँ पे जो आप ही वगैरह लोग आए हुए हैं वो अभी जो है दिया जलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया वगैरह सब है, आपको तेल वगैरह लेके आना है, बाकी सब कुछ रखा होता है इधर। तो अपनी इच्छा से जिसको जैसे दिया जलाना है वो यहाँ पे दिया वगैरह जला सकते हैं। तो अभी मैंने, मेरी मामी ने और जितने भी लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे दिए जलाए हैं, पहले बनाए हैं फिर हमने जलाए हैं। तो यहाँ पे जो गुम्पा है उसके दो कमरे थे, एक कमरे में जो है दिए जलाने का बनाया हुआ था, और जो दूसरा था वो था मंदिर था, उस पर जो है गुरुम्बुजी जी का कू रखा था, और यहाँ पे जो हाथ से घुमाने वाला थिंगर भी था। एंड इस जो मंदिर का जो एक साइड का दीवार है वो पूरा चट्टान का दीवार है, और ये वाला जो दीवार है ये पूरा पूरा चट्टान है। यहाँ पे एक छोटा सा रूम है जहाँ पे खाना वगैरह बना सकते हैं आप लोग खुद आके, मतलब कोई बना के तो नहीं देगा पर आपको खुद आके बनाना है। पर हमसे पहले जो लोग आए थे वो यहाँ पे खाना खुना बना के गए हैं, चाय बना के गए हैं। देखो मैं और मामा जी भी चाय पीते हैं। मामा जी अपने लाए आप ग्लास, चलो इसको दे दो, कोली में दे दो थोड़ा सा। बस बस बस, एक दो सीट चाहिए, सुबह से चाय नहीं पी इस करके बस इतने से।
सुना सच में चाय बिल्कुल टेस्टी लग रही है। प्लस जैसे हम मंदिर वगैरह या कहीं पर भी जाते हैं ना, वहाँ पे कुछ भी खाओ, चाहे आप जैसा मर्जी बनाओ, वो ना बहुत टेस्टी लगता है। जंगल जंगल कोई भी, जंगल में चाहे मंदिरों में भी आप कुछ भी खा लो, कुछ भी। जब हम पांगरा माता मंदिर जाते हैं ना, तभी हम नॉर्मल पानी में सिर्फ मैगी डाल देते हैं, वो भी इतनी टेस्टी लगती है। उस तरीके से जहाँ पर मंदिर हो, जंगलों में खाने पीने का जरूरी नहीं, सब टेस्टी चाहिए, वो अपने आप टेस्टी हो जाता है। पता नहीं क्या भगवान का कुछ होगा। अब जो है जिन लोगों ने झंडे लाए थे या कुछ भी चढ़ाने का सामान लाया था, तो वो यहाँ पे मंदिर में चढ़ाएंगे और उसके बाद जो है सारे लोग दिया जलाएंगे। तो पहले हमने दिया बनाया था, उसके बाद अभी हमने जलाया है। दिया जलाने के बाद उसको शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सारे जितने भी लोग थे वो मंदिर के अंदर गए। कुछ लोग जो है जो हाथ से घुमाने वाला जो थिंगर है वो घुमा रहे थे, कुछ यहाँ पर छक कर रहे थे। छक भी दो तरह से करते हैं, एक नॉर्मल छक होता है और दूसरा जो छक है वो ज्ञान छक बोलते हैं, जो ये आप ही कर रही है इसको दंडवत, मतलब पूरा लेट कर। और देखो मासी बारे मिल गया, और मासी हम लोग सुझाव चले गए, मैंने बोला नहीं गए, थोड़ा तो मैसे कौन कौन गए आप लोग? नहीं ऊपर नहीं गए, नहीं गए, आ गए। नमस्ते, नहीं बोला ऊपर नहीं गए। अच्छा अच्छा, और अब हम लोग खा रहे हैं। बनाओ दीदी का जय बनाओ। तो वो शिंबा छा जाता है नानी को, नाना के पार्टनर को नहीं मिले थे, चिपका दूं दूसरे वाला। अभी रुको, आप लोग फर्स्ट टाइम में सारे गोम्पा के बारे में बताओ, सुमंग गोम्पा के बारे में। जो हम गुरु मच्छो नाइस नाइस जो हम था पूरा हम कोराब नाता माँ खुलो जम पाओ हम पूरा हम यात्रा हज था जो जो डेंस भी था पा हम सही हम गोम्पा फूक दो गोम्पा फूक तो अदंग ने हम पूरा जलका लमी था तब हम पूरा दो क्या कहते नौपाप धर्म खाल मिल साले नंग तो उन्हें दस कोराब निक सा आए जो नो ले हम पूरा होना अभी होना ताला लगा है ये वक्त तो खुला चले हन हंस रही हूँ उन्हें हन तो भारी हन भारी नाइस जागा तो जो भारी हन तीसंग जागा तो ठीक ठीक है जी। तो अभी हम लोग ना यहाँ से कोरा में जा रहे हैं, तो एक वैसे जो पूरा वाला कोरा है वो बहुत दूर है, मतलब वो खोरलो दुम्बा बोल की जगह है, वहाँ से होते हुए पूरा कोरा लगाना मतलब 5-6 घंटे लग जाएंगे, मतलब बहुत दूर है वो। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो खंडोमा का है जगह जहाँ खंडोमा बैठती थी वहाँ तक जा रहे हैं, वहाँ से नीचे उतर जाएंगे। एक पाप और पुण्य देखने वाली भी जगह है, वो भी अगर हमारे को रास्ते मिलेगा तो वो भी देखेंगे, वरना बहुत ही दूर दूर जाना पड़ रहा है। चल चल के हालत खराब हो गई। टेंशन तो ये होता किस बात का है, काशीगंज चढ़ना है ऊपर बहुत ऊपर है वो। दादी जी ने बताया कि जो ये सोमंग है वो गुरुपोची जी की स्थली है, और यहाँ पे जो है जो खोरला दुम्बा से पूरा चक्कर लगाते हैं, तो हम लोग जो है कंप्लीट एक जो तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है पाप धर्म चेक करने की जो जगह है वो है, और जो मयूम खंडोमा जी का जो है तपस्या करने का स्थान भी यहीं पर ही है। और ये जो थिंगुर है ये बहुत पुराना है, तो जो कौनियर थे यहाँ पे जो पुजारी थे उन्होंने बताया कि जो ये सोमंग है लगभग इसको 1000 साल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो ये वाला जो थिंगुर है ये भी लगभग लगभग 1000 साल पुराना ही होगा। और ये जो सोमंग मंदिर है जो गोम्पा है ये पूरा एक साइड के चट्टानों पर ही बना हुआ है, और यहाँ पर आने के लिए आपको बस पैदल ही आना है। ये वाली जो रेंज गई ये है शिपकिला रेंज। तो मैं मामा जी और मामी जी हम लोग जो है पहली बार ही यहाँ पे आ रहे थे, तो कुछ भी एरिया है या कुछ भी जगह जो पूजा करने के जगह है एरिया है हम लोग जो है खुद ही एज्यूम करते हुए जा रहे थे। यहाँ से ऊपर एक और जो है खोरला दुम्बा वो उस चोटी से ऊपर है, तो अभी वहाँ से कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं वापस, ये लोग सुबह गए थे तो अब जाके वापस आ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग नए नए हैं ना सारे, हम तीनों ही पहली बार आ रहे, तो हमारा कोई आइडिया नहीं कौन सी कहाँ पर है। आना था हमने, आप लोग ने हम लोग रुके नहीं, आप ही लोग और ये वो जगह है जहाँ पे पाप पुण्य देखने का है, आपको नहीं पता ये परी का जो है डुकुक है जिसको हमारी बोली में हम लोग बोलते हैं डोलमा। ये देखो उनके पैर के निशान है। और फाइनली जो हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया, ये वाला जो जगह है वो पाप पुण्य चेक करने का है। कहते हैं कि इस छोटी सी जगह में कोई भी इंसान अगर इजीली निकल जाए तो वो पुण्यार्थी इंसान है, और अगर कोई फंस जाता है तो वो पापी है। तो कहते हैं जो पाप किया आदमी चाहे वो पतला से पतला भी क्यों ना हो तो वो यहाँ फंस जाता है। ओ ने आया बेले ओ ना।
पूरा जो डुबुक वगैरह है वो हम लोग घूम के वापस आ गए। अब हम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे और फिर यहाँ से चल पड़ेंगे। तो जो डुबुक है, डुबुक उसको बोलते हैं जहाँ पे छोटा छोटा सा वो रहने के लिए जो घर जैसा बनाया होता है, तो उसको लोकल बोल में बोलते हैं डुबुक। आने क्या बैठा किया आप लोगों ने? बहुत ज्यादा इकट्ठा किया, हमारे को भी देना। देंगे देंगे, एक आने ने हमारे लिए चाय बनाया है। बड़ा गंबा के नाने हैं, इन्होंने हमारे लिए चाय बनाई है। हां बहुत अच्छी चाय बनाई है। थैंक यू लइए। थैंक यू। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो कुछ लोग जाएंगे नीचे जिनकी गाड़ी नीचे है। बाय बाय बाय, आप ही लोग बाय, मैं संग भी रही हूं। बाय बाय बाय, टाटा। अब हम लोग निकल रहे हैं टाशीगंज से, और आज का व्लॉग बस यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अब अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।